हेलो एवरीवन, इट्स मी राजकुमारी बास्की। और आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि मैं एनसीसी एयरविंग्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरा एनसीसी एयरविंग में सिलेक्शन हो गया है, और तभी मैं आपको पूरी प्रोसेस बता पा रही हूँ। तो शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप से। मेरे कॉलेज के साथ साथ ऑल इंडिया में अप्रैल के लास्ट वीक में फॉर्म फिलअप शुरू हो गया था। फॉर्म फिलअप के 15 दिन बाद एनसीसी एयरविंग ऑफिस बुलाया गया था हमें, जहां हमारा रिटन टेस्ट भी हुआ। हमारे रिटन में 17 क्वेश्चन थे, जिसमें कि 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। टेस्ट इंग्लिश में ही देना था। वैसे क्वेश्चन नॉर्मल ही आते हैं, कुछ जीके तो कुछ जनरल साइंस, और कुछ अपने स्टेट से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, जो तेजस सर भी पढ़ाते हैं। तो आप लोग तेजस एनसीसी आर्मी चैनल पर क्लास करते रहिएगा, मैंने भी तेजस सर के वीडियोस देखी हैं। रिटर्न के बाद आप सभी को एक कॉल जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तभी। हमें भी 10 दिन बाद कॉल आया और सर ने इंफॉर्मेशन दी। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहली बात, इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, जो कि काफ़ी इजी होता है। आपको बस अपने बारे में बताना होता है। वो आपसे आपके हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे। वो लोग बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस आपका पर्सनालिटी चेक करेंगे कि आपका नेचर कैसा है, आप लोगों से बात करने में कंफर्टेबल हो या नहीं, आप नर्वस होते हो कि नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो इंटरव्यू में डरने की ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप बहुत आराम से इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बात कि वो ये भी जानना चाहेंगे कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एनसीसी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।